करहल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस मुठभेड़ में दो साथे चोरों को किया गया गिरफ्तार। करहल पुलिस सर्विलांस टीम और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में दो साथे चोरों को गिरफ्तार किया गया है। एक चोर के पैर में गोली लगी है। चोरों के पास से दो तमंचा, दो जिंदा कारतूस और चार खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी भी पहुंचे हैं। आपको बता दें, अभियुक्तों ने हाल ही में 9 फरवरी को दुमिला बॉर्डर के पास स्कूटी सवार व्यक्ति के बैग से 1,00,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्तों पर विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आज सर जो घटना हुई है उसके बारे में बताएं। आज रात 1:30 बजे करहल पुलिस द्वारा तकरो रोड जाने वाले पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी। सामने से दो मोटरसाइकिल सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। जब पीछा किया तो भागने वाले लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति, जिसका नाम शिवम तनाब जबल सिंह निवासी कैल एलआईयू का रहने वाला है, वो घायल हुआ तथा कामिंग के बाद दूसरा व्यक्ति पिंटू सना इंद्रपाल निवासी कैल एलआईयू का रहने वाला गिरफ्तार किया गया। ये दोनों अभियुक्त 9/2/24 को करहल थाने में एक टप्पेबाजी में शामिल थे। अब वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।